आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल मत छोड़िएगा भैया, बिल्कुल मत छोड़िएगा, और मैं भी नहीं छोड़ूंगा उन्हें। और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। भैया आखिर बड़े भाई को छेड़ने का मौका रोज रोज थोड़ी ना आता है। करेक्ट करेक्ट। हम लोग कोई अच्छा सा प्लान बनाते हैं, जैसे ही वो आएंगे ना हम लोग बोले आइए आइए आइए। मेहरबान कदरदान साहिबान पहलवान, मेरे भ्राता श्री हितेश कुमार इस हॉल में पधार चुके हैं। भैया आइए ना, बैठिए ना प्लीज। अरे आप खड़े क्यों, बैठिए ना, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। आप लोग मेरी इज्जत में इतने लोटपोट क्यों हो जा रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। पकड़े को हलाल करने से पहले उसे पानी पिलाया जाता है, मोहब्बत से पेश आया जाता है, क्यों है ना। मैं आप लोगों का मतलब नहीं समझा। मतलब रहने दीजिए भैया, थोड़ा सब्र रखिए आप। अरे सरिता मेरे भैया तो बहुत भोले हैं। नहीं, ये भोले बोले नहीं है, ये तो तोप के गोले हैं। गोली के छर्रे हैं छर्रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि भैया ने अपनी प्यार की सारी ट्रेनिंग मुझी से ली है। हाँ जी मैं आपको बताता हूँ, भैया मत रोकिए, मैं आपको बताता हूँ लड़की को आई लव यू कब कहा जाए, लड़की का हाथ पकड़ा जाए या नहीं, या कब पकड़ा जाए, सब मुझसे पूछा करते थे भैया। रोहित ये तो यूं ही तुमसे पूछते रहे, इसने तो ऑलरेडी अपने गर्लफ्रेंड से कह दिया था आई लव यू डार्लिंग। एक मिनट भैया, आप ये बताइए कि आप शादी कहाँ करेंगे, एयर में करेंगे, पानी में करेंगे, या जमीन पे करेंगे? नहीं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले एक दूसरा सवाल पूछते हैं भैया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो लड़की आपको मिली कहाँ, वो दिखने में कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उस लड़की का नाम क्या है। देखो तो सही कितना काहिया है, नाम भी नहीं बता रहा। बताइए नाम बताए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मालूम है। अच्छा? और हमें पसंद भी है। देखिए भैया हम सबको नाम मालूम है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। एवरीवन भैया नाम बताइए। लेकिन रोहित इतने परेशान क्यों होते हो, लड़की का नाम मैं बताती हूँ। ठहरो भाभी, भैया को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। 10 9 8 भैया बता दीजिए अभी टाइम है। 6 5 लास्ट चांस भैया, लास्ट मौका। 2 1 भाभी भाभी आप बताइए। नम्रता।